हाय फूडीज, वेलकम टू कुक विद दीपिका। इंडियन किचन में स्टील के बर्तनों के साथ ही प्लास्टिक के बर्तनों का भी बहुत इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर मसालों, दालों, आटा और खाने पीने के अन्य सामान को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक के कंटेनर्स का बहुत इस्तेमाल होता है। लंच बॉक्स भी प्लास्टिक के काफ़ी प्रचलित हैं, मगर इनका प्रयोग करने से कुछ दिनों तो ये ठीक रहते हैं, मगर रोज़ाना इस्तेमाल करने से इनमें खाने का दाग और उसकी महक बस जाती है। ऐसे में ये दिखने में बहुत ही बुरे लगते हैं और उनमें महक जो आती है वह खाने के स्वाद को बिगाड़ देती है। आज हम आपको बताएंगे कि आप घर पर ही प्लास्टिक के बर्तनों को कैसे साफ़ करें कि उनके दाग और महक दोनों ही चले जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्लास्टिक कंटेनर्स या डिब्बों को ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद उनका रंग तो फीका पड़ ही जाता है, साथ ही उसमें से अजीब सी महक भी आने लगती है। अगर आपको लगता है कि आपके किचन कंटेनर्स में से बदबू आ रही है तो एक बाल्टी में गर्म पानी भर लीजिए, इसमें 3 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब अपने कंटेनर को बाल्टी में डुबो दीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि कंटेनर्स पानी में पूरी तरह से डूब गए हों। कंटेनर्स को लगभग आधे घंटे के लिए पानी में डुबोकर ही रखें। आधे घंटे बाद उन्हें बाहर निकालकर साफ़ पानी से धो लें। बावजूद इसके अगर कंटेनर्स में बदबू रह जाती है तो आप ये दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरका खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ साफ सफाई के भी बहुत काम आता है। अगर आपको अपने प्लास्टिक के टिफ़िन में खाने की महक हटानी है तो उसके लिए आप सिरके का भी प्रयोग कर सकती हैं। सिरके को पानी के साथ मिक्स करके डिब्बे में डालकर ऊपर से ढक्कन बंद कर दें और कुछ देर के बाद उसे साफ़ कर लें। टिफ़िन को अच्छे से धोकर उसके सभी छोटे छोटे डिब्बों को बाहर निकाल कर रख दीजिए और उनमें अच्छे से हवा लग जाने दीजिए। न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद आप घर के काम में भी उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। वैसे तो न्यूज़पेपर से बहुत कुछ हो सकता है, मगर आज आपको बताएंगे कि आप न्यूज़पेपर से प्लास्टिक कंटेनर्स गंदा होने से कैसे बचा सकती हैं। इसके लिए आपको बड़े से न्यूज़पेपर के टुकड़े को मोड़कर प्लास्टिक कंटेनर में भरकर रख देना है। दूसरे दिन न्यूज़पेपर को निकालकर डिब्बे को गर्म पानी से धो लीजिए, इससे उसमें से आने वाली महक ख़त्म हो जाएगी। ब्लीच से आपने कपड़ों में लगे दाग को कई बार हटाया होगा, मगर आपको जानकर खुशी होगी आप इससे प्लास्टिक के बर्तनों में लगे तेल के धब्बों को भी छुड़ा सकती हैं। साथ ही अगर प्लास्टिक के कंटेनर और टिफ़िन में खाना ज़्यादा समय तक पड़ा रह जाए तो इसमें खाने पीने की चीज़ों की गंध आने लगती है। ऐसे में इस गंध को साफ़ करने के लिए आपको लिक्विड क्लोरीन ब्लीच का उपयोग करना चाहिए। इस लिक्विड से साफ़ करने से आपकी जितनी भी बर्तन में गंदगी और दाग धब्बे होते हैं वो दोनों ही दूर हो जाएंगे। इससे साफ़ करने का दूसरा तरीका है गर्म पानी में सर्फ डालकर कंटेनर को अच्छे से साफ़ कर लें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कुछ आसान से टिप्स हैं जो उपयोगी लगे होंगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली रसोई में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।